नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धमन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या लकवे का मरीज 100% ठीक हो सकता है या नहीं हो सकता, और अगर नहीं हो सकता तो हमें क्या क्या चीज़ों पे मिनिमम काम हमें करना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं समझने से कि पैरालिसिस में आखिर आपकी बॉडी में क्या हुआ है, तभी हम उसकी पॉसिबिलिटीज़ को निकाल पाएंगे। तो पैरालिसिस यानी ब्रेन स्ट्रोक होने के जो दो मुख्य कारण हैं वो है, पहले या तो ब्रेन के अंदर किसी टाइप का इन्फ्राक्ट आना यानी क्लॉट का आना, या फिर है ब्रेन के अंदर किसी नस का फटना। दोनों ही कंडीशन में ब्रेन में जो ब्लड सर्कुलेशन में दिक्कत आने की वजह से ब्रेन की कुछ हिस्सों को नुकसान हो सकता है। अब जिस ब्रेन के हिस्से को नुकसान हुआ वो जो काम करता था वहीं पर हमें इसके सिम्टम भी देखने को मिलेंगे। यानी अगर आपके ब्रेन के उस हिस्से पे नुकसान हुआ है जहाँ से आपका हाथ पैर कंट्रोल होता है, तो आपको अपने हाथ पैर में पावर कम महसूस होगी या फिर हाथ पैर काम करना बंद कर देंगे, पहली चीज़। अगर आपके आवाज़ वाले एरिया में नुकसान हुआ है तो आपकी आवाज़ में आपको बोलने में दिक्कत होगी, वर्ड्स को बोलने में दिक्कत होगी। अगर लॉजिक वाले एरिया में हुआ है तो हो सकता है कि आपको मैथ समझ में ना आए। मेमोरी वाले हिस्से में हो सकता है तो आपको लगेगा कि आपको चीज़ें याद नहीं हैं। अगर इमोशन कंट्रोल वाले आपके एरिया में हुआ है तो हो सकता है कि आपका जो नो बिहेवियर है वो बदल जाए, आप हो सकता है कि बहुत गुस्सेल हो जाएं, हो सकता है बहुत ज़्यादा बच्चों की तरह बिहेव करें। तो कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि किस एरिया में ब्रेन ये नुकसान हुआ है। अब ब्रेन में जब नुकसान होता है तो अब ये दो टाइप का हो सकता है, पहला है टेम्परेरी, दूसरा है परमानेंट। अगर आप सही टाइम पे हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और हॉस्पिटल पहुंचने के बाद बाय चांस आपको सही ट्रीटमेंट मिल जाता है तो वो जो क्लॉट जो रुकावट बनी थी ब्रेन के अंदर वो डिसॉल्व हो जाती है और आपकी रिकवरी 100% हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर ब्रेन के सेल मरे ही नहीं, उनको थोड़ी सी दिक्कत हुई, वो सफोकेट हुए, हम फटाफट हॉस्पिटल गए, सिम्टम हमने फटाफट पहचान लिए थे, हमने ट्रीटमेंट सही मिल गया, हम तेजी से रिकवर हो गए, पहली चीज़। अगर ब्रेन के अंदर हिस्से कम छोटे हिस्से बहुत छोटे हिस्से में नुकसान हुआ तो भी रिकवरी फुल हो जाती है, आपके हाथ पैर की चलने की ताकत महसूस पूरी आ जाती है, आपको बोलने में कोई दिक्कत नहीं होती। एक आधा दिन दो हफ्ता पर आपको परेशानी ज़रूर हुई बट उसके बाद आपकी फुल रिकवरी आपको देखने को मिल जाती है, क्योंकि दिमाग के अंदर नुकसान छोटी मात्रा में हुआ था। दो सिनेरियो हो गए। तीसरे सिनेरियो के अंदर अगर आपके ब्रेन के बड़े हिस्से को नुकसान हो जाता है, आपको जब जितना बड़ा डैमेज है उतनी बड़ी परेशानी भी आ रही है, आपका हाथ पैर भी नहीं चल रहा, आपसे बोला भी नहीं जा रहा, आपको बिहेवियर भी चेंज हो गया, आपको चीज़ें याद भी नहीं है, तो ऐसे केसेस के अंदर रिकवरी डिफ़िकल्ट होती है। क्यों? क्योंकि बड़े हिस्से को नुकसान हुआ है। अब ब्रेन के अंदर हमने तो कुछ ना कुछ रिकवरी करनी है, हमें तो अपने इंडिपेंडेंट बनना है, हम कब तक कुर्सी पे बैठे रहेंगे, बेड पे बैठे रहेंगे, हमें कुछ ना कुछ तो काम करना है। तो हमने समझना पड़ेगा कि ब्रेन के अंदर रिकवरी होती कैसे है। आपकी स्किन पे कट लगता है, जख्म अपने आप भर जाता है, आप पट्टी करो ना करो बस साफ रखोगे तो वो भर जाता है। आपकी हड्डी टूटती है, अगर आप हड्डी को सही जगह रखते हो हड्डी भी जुड़ जाती है। तो इसी तरह से जब हमारे ब्रेन के अंदर नुकसान होता है तो उसकी भी रिकवरी होती है, मगर वो रिकवरी हमारी स्किन की रिकवरी या फिर हमारी ब्रोन की रिकवरी से अलग होती है। कैसे अलग होती है? स्किन में क्या होता है, कट लगा तो सेल्स अपनी मात्रा को बढ़ाएंगे, आपस में पास पास आएंगे और फिर से चिपक जाएंगे, एक स्कार टिश्यू बनेगा, कुछ टाइम के बाद हो सकता है कि स्कार टिश्यू भी नॉर्मल टिश्यू में कन्वर्ट हो जाए, कोई नुकसान नहीं होता। बोन में भी होता है, आपकी हड्डी हमने यहाँ रखी हुई है वो धीरे धीरे ग्रो करेगी और आपस में आके जुड़ जाएगी और आपकी हड्डी फिर दोबारा पहले जैसी हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से ब्रेन में रिकवरी नहीं होती, ब्रेन में सेल्स ग्रो नहीं कर पाते, ब्रेन में रिकवरी होती है वो है न्यूरोप्लास्टिसिटी से। ब्रेन जो बना है वो न्यूरॉन सेल्स का बना है, वो अपनी संख्या को नहीं बढ़ा पाते। यानी जब मैं पैदा हुआ मान लो मेरे ब्रेन के अंदर 1 करोड़ सेल थे, 1 करोड़ सेल थे ब्रेन के अंदर, मैं पूरी लाइफ टाइम में 1 करोड़ 1 नहीं कर सकता चाहे जो मर्जी हो जाए। बट हम क्या देखते हैं कि बिना संख्या बढ़ाए भी ब्रेन में रिकवर कर दिखा रहा है। अब हम सोचते हैं भाई ऐसा क्यों हो रहा है, उसके पीछे जो आंसर है वो है न्यूरोप्लास्टिसिटी का। अब आप इमेजिन करने की कोशिश करो कि जिस दिन आपको पैरालिसिस का अटैक हुआ था क्या कंडीशन थी। ब्रेन को तो नुकसान हो चुका था, पहले 4 घंटे में हो गया, आप हॉस्पिटल पे नहीं पहुंच पाए, आपका हाथ पैर काम करना बंद कर गया। अब 4 घंटे जो हमने मिस किए, अगर हम डाउन द लाइन 3 महीने 4 महीने में देखते हैं तो हम देखते हैं कि पेशेंट तो पहले बिल्कुल बेड रिडन था, चल नहीं पा रहा था, अब चलने भी लगा है, बोलने भी लगा है, टूटी फूटी ही सही बट बोल रहा है, हाथ चल रहा है पूरी ताकत से नहीं बट हिल रहा है। तो जब ब्रेन के सेल डेड हो गए थे तो ये रिकवरी कैसे आई, इंपॉर्टेंट है ना इसे जानना।
ये हुआ न्यूरोप्लास्टिसिटी से, यानी जब भी हमारे ब्रेन को किसी टाइप का डैमेज होता है तो ब्रेन में नेचुरल हीलिंग प्रोसेस न्यूरोप्लास्टिसिटी एक्टिवेट हो जाती है। अब इस न्यूरोप्लास्टिसिटी के, क्योंकि ये नॉर्मल हीलिंग से अलग है, तो ये इसमें कुछ फ़ायदे और नुकसान भी हैं। नुकसान क्या है कि ये पीरियड के लिए होती है, ये कॉन्टीन्यूसली लाइफ टाइम नहीं हो सकती, क्योंकि ब्रेन को ट्रिगर मिला था, ब्रेन के सेल के डैमेज का, तो कंपनसेटरी इफेक्ट देखने को मिला, और ये सिर्फ पहले 6 महीने ही काम करती है। यानी आज आपको हुआ तो अगले जो 6 महीने हैं इसी के अंदर आपको नेचुरल रिकवरी देखने को मिल रही होगी। इस बीच में आप किसी भी डॉक्टर के पास जाओगे, किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाओगे, किसी भी कहीं पर भी जाते हो, मंदिर गुरुद्वारे किसी भी जगह जाते हो, आपको हर जगह आराम 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 देखने को मिल रहा होगा। बट अगर आपकी ये 6 महीने बीत जाते हैं, उसी के बाद वही चीज़ आप दोबारा से करो, वही फिजियोथेरेपी, वही सब कुछ कर रहे हो, आपको अब आराम देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अब ब्रेन के अंदर न्यूरोप्लास्टिसिटी हो चुकी है बंद। तो पहले महीने में रिकवरी, दूसरे महीने में रिकवरी, तीसरे महीने में और ज़्यादा रिकवरी, चौथे महीने में कम, पाँचवें में और कम, छठे में आते आते बिल्कुल ना के बराबर रिकवरी हो जाती है। तो पहले 3 महीने ग्राफ ऐसे जाता है, फिर अगले 3 महीने ग्राफ ऐसे जाता है, और छठे महीने आते रिकवरी हमारी बंद हो जाती है। अब हमने करना क्या होता है ऐसे पेशेंट के अंदर, हमने ऐसे पेशेंट के अंदर यही न्यूरोप्लास्टिसिटी को दोबारा से एक्टिव करना होता है। नेचुरल प्रोसेस है, कोई हार्म नहीं। अगर ब्रेन हमारा डेवलप करता रहता है, न्यूरोप्लास्टिसिटी करता रहता है, तो पेशेंट के अंदर हम कंटिन्यूसली रिकवरी देखने को मिलते हैं। पेशेंट की कंडीशन डे बाय डे बेटर होती चली जाती है, पेशेंट अपने काम करने लायक बनता चला जाता है। अब आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा, अब आप, मैं चाहता हूँ कि मैं आपको कुछ टेस्टिमोनियल दिखाऊँ, कुछ पेशेंट से मिलवाऊँ जिनको 6 महीने से ज़्यादा हो चुके थे, जिनमें प्रोग्रेस रुक चुकी थी, उनमें प्रोग्रेस दोबारा से शुरू करवाई। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन, और आज हमारे साथ एक पैरालिसिस के पेशेंट हैं जिनका नाम है हेमेंद्र। हेमेंद्र कहाँ रहते हो? मानेसर। मानेसर, अच्छा, ये पैरालिसिस कब हुआ था हमें? 17 अगस्त 2020 में। 2020 में हुआ था, 3 साल होने वाले हैं। साइंस इंजीनियरिंग से ट्रीटमेंट लेते हुए कितना टाइम हो गया? दो महीने। 2 महीने में आपको अपनी बॉडी के अंदर क्या सुधार नजर आया? बोलने में काफ़ी फर्क है, थोड़ा सा रह गया बट वो हो जाएगा, और लिखने में बहुत मूवमेंट आ गई। लिखने में इम्प्रूवमेंट आ गई है, लिख पा रहे हो अब सही से। अब काम क्या करते हो आप? मैं कंपनी में था एचआर। कंपनी में एचआर थे, तो वहाँ पे काम कंप्यूटर पे था? कंप्यूटर पे काम था। तो कंप्यूटर की प्रैक्टिस कर रहे हो? करता हूँ। पहले से बेटर हुआ टाइपिंग? हाँ जी। ठीक है, पैर में क्या सुधार है? पैर में वॉक होती है लेकिन रन नहीं होता। वॉकिंग शुरू हो गई है। और 2 महीने पहले क्या कंडीशन थी? 2 महीने पहले किसी का सहारा लेके चलता था मैं। 2 महीने पहले सहारा लेना पड़ता था, अब बिल्कुल सहारा नहीं लेना पड़ता, अपने आप चल लेते हो आराम से। हाथ में कोई वीकनेस तो हाथों पर करो, सबको दिखाओ, हाथ वीकनेस बंद करो, एक बार चल के दिखाओ। तो बाकी जो पेशेंट हैं पैरालिसिस के, जो जूझ रहे हैं आपकी तरह, उनको क्या एडवाइस करोगे? मेन यही है, हक दवाई लो, यहाँ से इम्प्रूवमेंट होगा। हेमेंद्र जी ने 2022 में सितंबर में भी कांटेक्ट किया था, मगर ये यहाँ पर आकर मिलके चले गए, मेडिसिन लेके नहीं गए थे। इनके माइंड में बहुत सारे डाउट रह गए होंगे उस टाइम में शायद, है ना। बट अब जब 2 महीने बाद, 2 महीने का ट्रीटमेंट आपने अब शुरू किया 2023 में फरवरी एंड मार्च में, अब पता लगा मेडिसिन में कितना दम है, कितना भटकने के बाद काफ़ी दम है ना। ठीक है, तो जितने भी पैरालिसिस के पेशेंट हैं उनको समझने की ज़रूरत है कि ब्रेन के अंदर जब क्लॉट आता है या नस फटती है तो ब्रेन का एक हिस्सा मर जाता है। अक्सर डॉक्टर्स बोलते हैं कि ये ठीक नहीं होगा, और वो बात सही भी है कि हम मरे को जिंदा नहीं कर सकते, बट जो हिस्सा मरा है उसका काम हमें बाकी हिस्सों को डिवाइड करना होता है। अब 2 महीने में अगर पेशेंट दोबारा से अपने सारे चलने लायक, बोलने लायक, लिखने लायक हो गया, तो ये खुद में एक अच्छा इम्प्रूवमेंट होती है। तो हमें इन इम्प्रूवमेंट्स को, छोटी छोटी इम्प्रूवमेंट्स को किसी भी कीमत में नहीं छोड़ना चाहिए। जहाँ तक आज की रेट में हम बात करें तो हेमेंद्र जी अगले 1-2 महीने में काम पे दोबारा जाने लायक हो जाएंगे, और वही हमारा काम है, उसी है ना। मेन क्या था, दो महीने पहले किसी की सहारे की जरूरत थी, अब अकेला चलता हूँ, बस से आता हूँ, ठीक है, और इवन गाड़ी भी चलाता हूँ। गाड़ी भी चला रहे हो? हाँ जी। 2 व्हीलर 4 व्हीलर? 4 व्हीलर। फोर व्हीलर चला रहे हो? ऑटोमेटिक मैनुअल? मैनुअल। मैनुअल, थोड़ा ध्यान रखना ब्रेकिंग का, कोई है ना, ये ना हो किसी को आप चोट पहुंचा दो। इवन
पहले तो बैग ही करता था, अब तो 150-200 किलोमीटर चला लेता हूँ। बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे अच्छा लगता है जब ऐसे पेशेंट आते हैं, इतनी अच्छी इम्प्रूवमेंट बताते हैं, तो खुद को लगता है कि हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। और ये बहुत ज़रूरी होता है किसी भी डॉक्टर के लिए, क्योंकि अवार्ड ट्रॉफी डॉक्टर्स के लिए लेना बहुत आसान काम होता है, मगर जब अच्छे पेशेंट जब ठीक होता है ना, उससे बढ़िया ना खुशी होती है ना कोई अवार्ड होता है। पहले क्या था, टू व्हीलर पे जब चलते थे ना तो कॉन्फिडेंस नहीं आता था, और टू व्हीलर थोड़ा चलाते हैं लेकिन चलाते हो। गिरने का डर तो नहीं लगता उसमें? डर तो लगता है। हाथ में भी ऐसे तो नहीं ना कि ब्रेक लेट लगती नहीं, हो? नहीं, वो दिक्कत नहीं आती। दिक्कत ये आती है, हाथ टाइम पे ब्रेक लगेगी नहीं लगेगी। मैं वो इसलिए तो पूछ रहा हूँ आपसे, क्योंकि हाथ में वाइब्रेशन है अभी। हाथ में वाइब्रेशन है, बट अभी आप कोशिश करो कि आप खुले में चलाओ ग्राउंड में, क्योंकि किसी को और को नुकसान ना पहुंचे। अभी तो ग्राउंड में ही चला, ग्राउंड में चला रहे हो अभी, और गाड़ी भी ग्राउंड में चला रहे हो, सड़क पे चला रहे हो? सड़क पे चला रहे हो, हाईवे पे, मनेसर का हाईवे, गुड़गांव मनेसर हाईवे, मनेसर मेहंदगढ़। अच्छा, मनेसर से मेहंदगढ़, ठीक है। चलो हमारी पूरी, और इवन इसमें डे भी नाइट भी, डे नाइट भी, चलो ये तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी। क्योंकि यहाँ से 6 बजे निकलते हैं और घर पहुँचते हैं 8-9 बजे। तो आप अभी तो काम कर नहीं रहे, आप कह रहे थे अभी तो घर तो जाता हूँ। तो जॉब से जा रहे हो, काम कर रहे हो अभी? नहीं, वाइफ कर रही है जॉब। तो उनको लाना ले जाने वाला काम कर रहे हो? हाँ, यही कि बच गया। चलो अच्छा ना, टाइम मिल गया, ठीक है। बट हाँ, ख़त्म होने वाला है, थोड़ी सी अपनी मेहनत करो, आप जितना हो सके रनिंग। अभी आपने थोड़े से लेदर शूज़ पहने हुए हैं, स्पोर्ट्स शूज़ डालो, और पार्क में, रोड पे, कहीं पर भी अपने रनिंग वाले पार्ट को टाइम दो। गाड़ी जब चलाओगे, 1.5-2 घंटा गाड़ी चलाते हो, उसमें आपकी एक्सरसाइज बंद हो जाती है। हमें वो टाइम लगाना है अपने आप पर, ठीक है। तो अपना जो टाइम है उसको सही से यूटिलाइज करते हुए रनिंग पे, कि थोड़ा सा अभी हल्का सा झटका लगता है जब आप चलते हो, वो ख़त्म हो जाना चाहिए। मेन दिक्कत आती है कॉन्फिडेंस की, वो बैलेंस जब ढंग से बनेगा वो हो जाएगा। वो जो हल्का सा जो आपको लगता है ना चलते समय कि यू नो पैर इधर लेफ्ट राइट जा रहा है, मैं उसी चीज़ की बात में बात कर रहा हूं। कल ये भी कहता, जैसे रोड क्रॉस करना होता है ना, तो वो भी कहता मैं, वो तो हो जाएगी, वो तो आराम से हो जाएगी। कैसे हो जाएगा? वो तो आप रनिंग रोड में नहीं होगा, रनिंग नहीं हो पाएगी। तो रनिंग में किया था मैंने, रनिंग में किया था। जैसे शेर पीछे पड़ जाए तो जिसको भागना ना आता वो भागना शुरू कर देता है। कल आपने बोला काम कर दिया, मत करना, ऐसे दौड़ लेना, ठीक है। ठीक है ना, ऐसे क्या होता है एक्सीडेंट में, सामने वाले गाड़ी वाले को नहीं पता ना कि आपको दिक्कत है, वो तो अपनी स्पीड से आ रहा है, उसको लगेगा कि आप भागोगे, लेकिन आपके हाथ तो काम करते हैं, उसको रुकने के लिए बोलोगे रुक जाएगा। इतना डॉक्टर कभी भी नहीं बोलेगा कि अपने लाइफ को रिस्क में डालो। हां, नहीं बोलेगा, सही बात है। आप बात को समझो, आप जो कर रहे हो अच्छी इंप्रूवमेंट है, थोड़ा सा वेट कर लो, फिर सब कुछ करना ही करना है। आप दौड़ो, दौड़ने के लिए मना नहीं है, बट ग्राउंड में दौड़ो कि चोट लगने की संभावना ना हो। गाड़ी के सामने दौड़ने का कोई मतलब नहीं बनता। नहीं, दौड़ने में एक दिक्कत आती है, जैसे ग्राउंड में दौड़ते हैं ना तब ऐसा लगता है गिर जाएंगे अभी। अब कल जब सड़क पर दौड़े तब लगा? तब तो क्रॉस ही किया था, तब डर था वो? डर तो था गिरने का नहीं, मरने का। हाँ, तो वहाँ पर क्या हुआ कि जब आप चल रहे हो ना तो अपने लेग पे फोकस कर रहे हो कि मैं कैसे चल रहा हूँ। जब आप गाड़ी के सामने दौड़े तब आपको ये नहीं था, आपको बस ये था कि आपको सड़क पार करनी है। दोनों चीज़ों में फ़र्क आ गया। नहीं, उसमें कोऑर्डिनेशन का फर्क आता है, ये साइड है आ रही है गाड़ियाँ, ये जा रही हैं, हाँ, आप कैसे क्रॉस करोगे? माइंड में फोकस खत्म हो गया ना, आपने फोकस अपने पैर हटा के गाड़ी पर लगाया कि गाड़ी इधर से आ रही है, ये गाड़ी इधर से आ रही है, मुझे इतनी स्पीड पकड़नी है, तो मैं ये रोड इस तरह से क्रॉस कर लूँगा। तो वहाँ पर हमारा फोकस बदल गया, इस वजह से उस टाइम में हमें डर गिरने का नहीं लगा, डर हमें लगा गाड़ी का, भी गाड़ी लग ना जाए, ठीक है। तो वही भैया कि आपको अपना ये अपने माइंड से अब निकालना पड़ेगा कि मैं गिर जाऊँगा, नहीं गिरोगे, गिरोगे तो कहाँ से गिरोगे? जितने खड़े हो उसी से गिरोगे ना, 3-4 फुट से चोट नहीं आ सकते, ठीक है ना। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखो। बाकी अभी 2 महीने हुए हैं, उम्मीद करते हैं अगले 2 महीने के अंदर हम आपका ट्रीटमेंट भी बंद कर दें, ठीक है। ये जो इम्प्रूवमेंट आई है 2 महीने में, बस इसी के 2 महीने आगे और फिर काम बन जाएगा हमारा, ठीक है। ठीक है सर। तो आपने देखा, अभी भी आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा। अब मैं चाहता हूं कि इस चैनल पे जितनी भी टेस्टिमोनियल है, क्योंकि 7 साल हो गए इस चैनल को बनाते हुए चलाते हुए, आप एक एक पेशेंट की शुरू से लेकर अब तक देखो, आपको विश्वास होना शुरू होगा कि ये चीज़ पॉसिबल है, और पहले महीने से ही पॉसिबल है। जब भी आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हो, ऐसा नहीं है कि हमें साल भर चलाना पड़ेगा, 2 साल चलाना पड़ेगा,
आप कर आपके ब्रेन में न्यूरोप्लास्टिसिटी आज की डेट में ऑन हुई है तो आपको आज की ही डेट में रिकवरी देखने को मिल जाती है। आपको अपनी बॉडी के अंदर चेंजेस, अपनी मूवमेंट के अंदर चेंजेस, अपनी स्ट्रेंथ में, अपनी सब चीज़ों में आपको चेंजेस नज़र आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ब्रेन डेवलप कर रहा होता है, ब्रेन में इंप्रूवमेंट हो रही होती है। तो आपको बहुत लंबा वेट नहीं करना, आपको सिर्फ 1-2 महीने देने होते हैं। 1-2 महीने के अंदर अगर आपकी बॉडी आपको चेंज दिखाती है तो वो ट्रीटमेंट आपका सही चल रहा है। तो आप पूरे चैनल को देखिएगा, टेस्टिमोनियल बहुत सारे हैं, कुछ मैंने आपको यहाँ दिखाए हैं, आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि ये मुमकिन है और पहले महीने से ही मुमकिन है। तो आपको वहाँ पर मिलेगा हौसला। ये जो हौसला मिलता है ना, ये पैरालिसिस पेशेंट में सबसे बड़ी दवाई है। इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि जब पेशेंट बहुत पुराना हो जाता है, मान लो किसी को 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, रिश्तेदार दोस्त ये बोलते हैं अब तो ठीक नहीं हो सकता, अब तो कोई है, तो बहुत सारा डिप्रेशन में चला जाता है। जब पेशेंट में एक कह सकते हैं कि एक आशा की किरण आती है, वो रिकवरी दिखाना शुरू होता है, तो वहाँ पर उसमें अंदर आ जाता है पॉजिटिव एनर्जी, उसमें आ जाता है कि अब मुझे ठीक होके दिखाना है, जिन्होंने मुझे ऐसा बोला था ना उनकी तो ऐसी की तैसी, मैं अब ठीक होके दिखाऊंगा। ये जो पावर है, ये जो एनर्जी है, ये बहुत अच्छा काम करती है पेशेंट में रिकवरी की। क्योंकि पेशेंट जहाँ होप खो देता है वहाँ पर वो एक्सरसाइज नहीं कर रहा, खाने पर ध्यान नहीं दे रहा, जो मन कर रहा है वो खाई जा रहा है, पर जैसे ही उसको लगता है कि मैं ठीक होने लगा हूँ तो वो अपना खाना भी बदल लेगा, पूरा पूरा दिन एक्सरसाइज भी कर लेगा, और यही एक्सरसाइज, यही खाने में जो चेंज है, पेशेंट के अंदर मेजर चेंजेस लेकर आते हैं और पेशेंट में रिकवरी बहुत फास्ट होती है, जैसे मैंने आपको दिखाया। तो किसी भी पैरालिसिस पेशेंट को हार मानने की ज़रूरत नहीं होती, अपनी बीमारी को समझने की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो उसका सबसे बड़ा दुश्मन है, और दुश्मन के बारे में जितनी आपके पास जानकारी होगी उतना ही आसान उसको जीतना हो जाता है। तो आप अपने दुश्मन पे यानी अपने बीमारी पे समझो, हम क्या कह रहे हैं उसको समझो, क्या ऐसा पॉसिबल है इसको इवैल्यूएट करो, और अपनी बॉडी पे काम करना स्टार्ट करो। क्योंकि आप आज शुरू करोगे तो रिजल्ट भी मिलेंगे, आप सोचते रहोगे तो आपका वो टाइम जाता रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ समझ गए लकवे के बारे में। फिर भी डाउट है, मैं हूँ, टीम अवेलेबल है, आप उनसे भी बात कर सकते हैं, मुझसे भी आके मिल सकते हैं। अब इसी के साथ आप सभी से मैं चलने की आगे चाहूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।